और खबरें तफसील से। बिहार में MIM सदर असदुद्दीन अवैसी के इत्तेहाद का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस से बदलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट कर दिया गया है। अवैसी के साथ इत्तेहाद में समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, उपेंद्र कुशवाहा की RLSP, BSP, भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी शामिल हैं। आज अवैसी इत्तेहाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया कि अगर इस मरतबा बिहार के आवाम ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को कामयाब किया तो उपेंद्र कुशवाहा वजीर आला होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला नीतीश कुमार और दीगर पार्टियों को जमकर निशाना बनाया गया। और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस 6-पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के, इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे और हम अपनी तरफ से अपने पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार BJP के और 15 साल RJD कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम जितना बांटोगे उतना ही हम जुटेंगे, करीब होंगे। एक बड़ा बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है, हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है।